काय सांगाला जीडी यादव साहेबांच्या कार्यक्रमात तुम्ही आलात, सत्कार समारंभ तुमचा? त्यांचं समाजामध्ये त्यांनी जे इन्व्हेन्शनला प्रोत्साहन दिलं, 123 पेटंट त्यांच्या नावाने आहे, 151 पेक्षा जास्त पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाले, निश्चितपणे ते महाराष्ट्र भूषण आहे। या महाराष्ट्राचा गौरव वाढवण्यामध्ये त्यांच्या ज्ञानाचा, त्यांच्या संशोधनाचा अतिशय मोठं असं योगदान आहे। आज त्यांचं अभिनंदन करताना मनस्वी आनंद होत आहे। कोल्हापूरच्या एका सुपुत्राचा, चंद्रपूरचा एक नागरिक म्हणून त्यांचा सन्मान करताना आज मनापासून मग आनंद झाला। काही दिवसापूर्वी एक तुम्ही चांगला निर्णय घेतला होता की महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वाहनिक येणार आहेत, तर एमओयू कधी होणार आहे आणि महाराष्ट्र वाहनिक कधी येणार आहे? 1 ऑक्टोबरला रात्री 1:50 ब्रिटिश एअरवेजनी मी जातो आहे। 3 तारखेला आपण एमओयू करतो आहे। हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा हा 350वा उत्सव समारोह साजरा करत असताना छत्रपतीच्या अशा पराक्रमाची गाथा असणाऱ्या वस्तू इथं आणाव्यात हा मी प्रयत्न करतो आहे। जगदंब तलवारसुद्धा वापस आणावी या दृष्टीनेही प्रयत्न आहे। वाघनखाच्या प्रयत्नाला सकारात्मक अशी मदत होते आहे आणि आता लवकरच जगदंब तलवारसुद्धा ही यावी। काही टेक्निकल अडचणी आहे त्या दूर करून आपण जगदंब तलवार घ्या। कोल्हापूर से है आपने कहा कि चंद्रपुर के शक्ति कोल्हापुर के उनके नॉलेज का सम्मान किया गया है, किस तरह की भावना है? श्री यादव जी बधाई के लिए पात्र है, उन्होंने महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया। 123 पेटेंट उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड किए हैं, 151 से ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कई विद्यार्थियों को ज्ञान देकर उनको पीएचडी आचार्य पदवी तक पहुंचाया है। आज उनका सत्कार करते समय मुझे बहुत खुशी होती है। कोई भी देश वो कितना धन संपन्न है इस पे आकलन नहीं किया जाता, वो कितना गुण संपन्न है इस पे उसका मूल्यांकन होता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी जीडीपी की बात नहीं करता, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करता, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है। तो मैं समझता हूँ ज्ञान ही हमें समाधान की ओर ले जाता है, ज्ञान से धन तक, हम ज्ञान से धन के आगे जाके ध्यान से समाधान तक जाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठा रहा है जो अब तक नहीं हुआ, आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, महाराष्ट्र की जो छत्रपति कुलदेव है शिवाजी महाराज उनके जो नाखून है वो ला रहे हैं, जो अंग्रेज लेके गए थे, और भवानी माता की तलवार वो भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक बात पहुँची है थोड़ा बताइए? छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए आस्था, अस्मिता, अभिमान का विषय है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान के अवतार नहीं है, मगर भगवान से कम नहीं है। इस देश के सभी नागरिकों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये आदर्श राजा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें इस राज्याभिषेक समारोह के उत्सव के अवसर पर हमने तय किया है कि जिस अफजल खान का पेट फाड़ा था वो वाघनख हम लेके आए, और अभी इस दृष्टिकोण से सकारात्मक संदेश ब्रिटेन के म्यूजियम से आए हैं। 3 अक्टूबर को हम एमओयू करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी नवंबर में शिव प्रताप दिवस आता है, उस नवंबर महीने में वाघनख लाए जाए और यहाँ के हमारे सभी शिव भक्तों को उसका दर्शन करने मिले। आँखों से वो ऊर्जा हृदय तक जाए, हृदय से वो ऊर्जा हाथों से आचरण तक जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। जगदम्ब तलवार जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा की तलवार थी जो अंग्रेज लेके गए हैं, जगदम्ब तलवार भी वापस लाने की हमारी कोशिश है, उसे भी मुझे विश्वास है हमें यश मिलेगा। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।